हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय को कवर करेंगे। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए इसमें है, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये गलत हो गया, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, बंगाल के। ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1833 का जो एक्ट था उसके थ्रू जो विलियम बेंटिक था उसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन भी है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो है कम जो बंगाल था उसमें अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाह रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट को, तो उसने जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है पहला गवर्नर जनरल बना दिया था। और वहीं पे अगर हम देखें 1833 में जो है इसमें जो है सेंट्रलाइजेशन का पीक था। 1800 ये जो हमारा पहला था 1773 में, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1833 में केंद्रीकरण अपने टॉप पे चला गया था। यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ये हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये गलत है, सही नहीं है, ये गलत है। ये फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन अब इसमें जो है सही कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए इसको इसको मान लिया गया, लेकिन ये सही नहीं है। पहला जो गवर्नर जनरल इंडिया का था वो वॉरेन हेस्ट आपका विलियम बेंटिक था, न कि वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाता है। और विलियम बेंटिक नहीं था, वॉरेन जो है विलियम बेंटिक पहला जो है इंडिया का गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है क्या बना था उसकी स्टोरी देख लेते हैं थोड़ी सी। वॉरेन हेस्टिंग्स की, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले जो है मुर्शिदाबाद का रेजिडेंट बनाया गया था, ब्रिटिश का रेजिडेंट था। ठीक है, उसके बाद जो है 1761 में उसको अपॉइंट कर दिया गया कलकत्ता में के काउंसिल में। ठीक है, कलकत्ता के काउंसिल में उसको अपॉइंट कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद इंग्लैंड चला जाता है 1764 में, और उसके बाद फिर से इंडिया में लौट के आता है मद्रास की काउंसिल में। ठीक है, मद्रास की काउंसिल में एक मेंबर की तरह फिर से वापस लौट के आता है। उसके बाद जो है उसको गवर्नर बना दिया जाता है, कहाँ का, बंगाल का, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, और उसके बाद जो है 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट होती है उसके द्वारा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बनाते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं, हमें ये बताना है। तो देखिए, पहला तो हम देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली लेड बाई द वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, स्टार्ट किया था, नींव डाली थी, लेकिन उसके ऊपर जो महल बनाया गया था वो जो है वो इमारत कॉर्नवालिस ने बनाई थी। ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड क्लाइव वाज रिस्पांसिबल फॉर रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ये भी सही है, क्लाइव जो है ना सिविल और मिलिट्री बहुत सारे चेंजेस, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाए थे कंपनी में, सही बात है। विलियम बेंटिक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश, ये बिल्कुल गलत है। विलियम बेंटिक ने एक्चुअली कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था, विलियम बेंटिक कोई इंटरफेयर ही नहीं करता था, कंसोलिडेट नहीं किया, बल्कि वो इंटरफेयर ही नहीं किया जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, हमारे इंडियन स्टेट्स थे, उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया। तो ये गलत हो जा रहा है। डलहौजी जो है बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी जो है उसने जोड़ी थी ब्रिटिश एम्पायर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, है ना, व्यापगत की नीति बोलते हैं हिंदी में, है ना, हड़प की नीति, व्यापगत की नीति शायद है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ी थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए क्लाइव लेड बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रिफॉर्म्स। क्लाइव जो है सिविलियन रिफॉर्म्स भी लाया, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लाया। सिविलियन क्या था, जो है जो गिफ्ट थे, जो जो लोकल जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो गिफ्ट लिया करते थे लोकल लोगों से, तो उसको बैन कर दिया, प्राइवेट बिजनेस को बैन कर दिया। मिलिट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, डुअल अलाउंस सिस्टम को जो है बैन कर दिया। मतलब मिलिट्री में कैसे लाए, पहले दो बार अलाउंस देना पड़ता था, ठीक है, अलाउंसेस दो बार देने पड़ते थे, लेकिन अब जो है 1766 में उसने ये कह दिया कि सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे जो जो है बिहार और बंगाल के बाहर जो है काम कर रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था वाज लेड डाउन बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स विच वाज आउट लेड बाय द कॉर्नवालिस। तो ये जो है ये सारे रिफॉर्म तो किए, क्या किया, गिफ्ट लेना बंद कर दिया, ठीक है, और भी जो तरीके के और कुछ बिजनेस थे प्राइवेट बिजनेस वो सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद दो बार जो अलाउंस दिए जाते थे उससे भी बोझ कम हुआ कंपनी का, तो ये सब उसने किया, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसको आगे बढ़ाया। सॉरी, ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसको आगे बढ़ा दिया।
हिज रूल लास्टेड फॉर 1786 टू 1793, ठीक है, इसका रूल तब तक चला। और इसने जो है कॉर्नवालिस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। और तीसरे मायसूर वॉर में भी कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मराठा वॉर नहीं है, मायसूर वॉर है। तीसरे मायसूर वॉर में भी कॉर्नवालिस इंगेज था। अभी मैं पूछूंगी इसको आगे कि तीसरे मायसूर वॉर में कौन था, याद रखिएगा कॉर्नवालिस था। और परमानेंट सेटलमेंट भी बंगाल में इस्टेब्लिश कर देता है। डलहौजी की बात करें तो इसने जो है कहाँ पे, ये जो है सतारा में 1848 में, सतारा, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को जो है 1853 में, और नागपुर को 1854 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग के अंतर्गत उसको जो है हड़प लेता है वो, ठीक है, हड़प की नीति है ये। डलहौजी ने जो हमारा अवध होता है 1856 को, उसको भी जो है मिस गवर्नेंस यानी कि कुप्रशासन के आधार पर जो है हड़प लेता है। एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, अगर जब बंगाल में या कलकत्ता में जब वो एशियाटिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो गवर्नर जनरल कौन होता है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होता है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल होता है उस टाइम, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स होता है गवर्नर जनरल। एशियाटिक सोसाइटी जब इस्टेब्लिश होती है कलकत्ता में, और कब होती है, ये 15 जनवरी 1784 में कलकत्ता में होती है, 15 जनवरी 1784 में। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, ये किससे रिलेटेड है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से ही, सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से ही है, ठीक है ना। ये जो है रिंग ऑफ फेंस भी कहते हैं, सिक्योरिटी सेल को रिंग ऑफ फेंस या बफर स्टेट भी कहते हैं। ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो होता है वो जो है मायसूर और मराठा को एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। बफर स्टेट मतलब जैसे मान लीजिए कि चाइना है और इंडिया है, तो चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत अगर है तो वो बफर स्टेट होगा, लेकिन अगर चाइना तिब्बत पे कैप्चर कर ले रहा है, चाइना तिब्बत को जो है ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो बफर स्टेट जो होगा, जो बीच का राज्य होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और चाइना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा इंडिया के, ठीक है, तो अपनी एक्टिविटी जैसा चाहे वो डायरेक्टली कर सकेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, बफर स्टेट जो है एक प्रोटेक्शन का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बफर स्टेट, ठीक है। बफर स्टेट उसको रिंग ऑफ फेंस भी कहते हैं, मतलब एक ऐसी दीवार जो जो हमें प्रोटेक्ट कर रही हो, जो हमें सेव कर रही हो बाहर के जो है आपका इंटरवेंशन से। तो ये हो गया आपका, तो मराठा और अफगान के जो एरिया था उसको जो है बफर स्टेट की तरह यूज़ करना चाह रहा था ये। दस दे एग्रीड टू प्रोटेक्ट अवध ऑन द कंडीशन ऑफ द नवाब ऑफ कंडीशन ऑफ द अवध नवाब ऑफ अवध विल बियर द एक्सपेंसेस। उसने कहा किससे, अवध के नवाब से कि अगर जो है आप एक्सपेंसेस, ये खर्चे उठाएंगे हमारे झगड़े के, तो हम आपको सेव कर लेंगे, ठीक है। द मेन एम ऑफ वेलेसली वॉज टू इन्फोर्स इंडियन स्टेट्स टू रिलाई ऑन हिज आर्मी पावर। अब मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि जो ब्रिटिश की आर्मी पावर, आर्मी की ताकत दिखानी थी इंडियन में जो है लोगों को, ठीक है, ताकि वो समझ जाएं कि इनसे जो है ताकतवर और कोई नहीं है। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ इंडियन स्टेट्स के लिए क्या थी, पहले तो थी कंपनीज स्ट्रगल ऑफ फॉर इक्वलिटी फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, सिक्योरिटी सेल या पॉलिसी ऑफ सेज, सबऑर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी, ये कुछ पॉलिसीज़ थी, एक जो है पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन है ना, ये सब पॉलिसीज़ थी कुछ। रिंग फेंस पॉलिसी, वही जो बफर स्टेट रिंग फेंस पॉलिसी किसने लाई थी, तो ये जो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स लाया था, रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से लाया था। हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, किसने एबॉलिश किया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स ने एबॉलिश किया था। हमने देख लिया था कि जो डुअल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, किसने 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है एबॉलिश किया था, ठीक है। एंड ऑर्डर किया था काउंसिल ऑफ कलकत्ता को एंड चीफ्स को कि सर्व एज दीवान एंड ऑफिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो ये जो अपने इंग्लिश मैन थे उन्हीं को ही दीवान की तरह वो जो है एक्ट करने के लिए कहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो डिप्टी दीवान थे कौन कौन, राजा जो मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, जिसको जो है जब बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी और बक्सर के समय ही जो है इन लोग को दीवान बना दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे तो कोई राजा बचा नहीं था, तो उनको कोई चाहिए था कि जो गद्दी पे बैठा रहे और जो है ये टैक्स वसूल करता रहे। लेकिन बाद में जो है इन्होंने ये जो टैक्स वसूल वाले थे, ये कौन थे, दीवान जो थे मोहम्मद रजा खान, कहाँ का था मोहम्मद रजा खान, ये बंगाल के एरिया का जो है दीवान था, डिप्टी दीवान, और राजा सिताब राय जो है ये कहाँ का था, ये जो है आपका
राजा सीताब राय जो है बिहार के थे, तो इनको जो है हटा दिया जाता है, यही ड्यूअल सिस्टम है जो हटा देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के लिए किसको जो है, किसका इम्पीचमेंट होता है, तो देखिए इम्पीचमेंट जो होता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स का, किसका होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट होता है, उसकी गलत नीतियों के कारण, अनजस्ट एंड आर्बिट्री एक्शंस जो होते हैं उनकी वजह से उसका इम्पीचमेंट होता है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई फायदा होता नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ खत्म कर देती है, कहती है कि कोई बात नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो भी कुछ किया वो एम्पायर, वो साम्राज्य की भलाई के लिए किया, तो कोई फायदा नहीं होता उस इम्पीचमेंट का। Who was following prosecuted for, देखिए prosecuted for the impeachment, तो ये हमने जस्ट देखा अभी, वही वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। Who established the judicial organization in India, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कोर्ट का नाम सुना होगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, इसने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे, देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस किया था क्रिमिनल और जुडिशियल रेगुलेशन, कौन सा, क्रिमिनल जुडिशियल रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम यही जो है बनाया था। कॉर्नवालिस गेव लिमिटेड जुडिशियल पावर टू द कंपनी रेवेन्यू कलेक्टर्स, कॉर्नवालिस ने जो है एक लिमिटेड जुडिशियल पावर दिया था जो कंपनी के रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं, बहुत पावर नहीं थी उनके पास, रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करने की थोड़ी सी पावर थी, ठीक है ना। और वो जो है आपका ये सिविल मजिस्ट्रेट की तरह काम भी करते थे वो लोग, जो लोग कलेक्टर्स थे, रेवेन्यू जो लोग कलेक्ट करते थे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है जस्टिस का, ठीक है, जो जस्टिस का जो पावर था किसके पास, कंपनी जो है नवाब से छीन लेती है, जस्टिस जो जो न्याय व्याय करते थे नवाब, अब वो छीन लेती है। और कॉर्नवालिस जो है सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश कर देता है, सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश कर देता है कि अब सर्किट कोर्ट जो है इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो सर्किट कोर्ट लेगी, ना कि नवाब वगैरह ये सब लोग, कोई काम ऐसा नहीं रहेगा इनका, ठीक है ना। तो ये जो है होगा। नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज इन ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहले स्टार्टिंग में इंडियन सिविल सर्विसेज जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था उसको कहते थे कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, बाद में उसको इंडियन सिविल सर्विस कहा जाने लगा, इसको भी कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया था इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो है बंगाल का, और आफ्टर बीइंग द गवर्नर ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस रीस्ट्रक्चर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबॉलिश द रेवेन्यू बोर्ड्स। बंगाल का जब गवर्नर बना तो इसने जो है कुछ रिफॉर्म किया, कुछ अच्छे काम किए एडमिनिस्ट्रेशन को, अच्छे काम मतलब अपने लिए अच्छे काम, ब्रिटिशर्स के लिए, इंडियंस के लिए नहीं, और रेवेन्यू बोर्ड को एबॉलिश कर दिया, एक नया लॉ बना दिया उसने, ठीक है ना। नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की पर्सनल बिजनेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, जो ब्रिटिश ऑफिस हैं वो अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते थे, पहले वो लोग खूब अपना पर्सनल बिजनेस करते, जिससे कंपनी गरीब होती जा रही थी और उसके ऑफिशियल्स जो है धनी होते, अमीर के अमीर होते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो उसने जो है इंट्रोड्यूस किया, सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सही किया कॉर्नवालिस कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो है वो लाए, सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म लाया, तो बहुत सारे, देखिए पहले तो कॉर्नवालिस कोर्ट लाया जिसमें सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स थे, जुडिशियल जो मैटर्स थे उसको सही किया उसने, नियम कानून लाए, जो आपके ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे उनका जो पर्सनल जो आपका बिजनेस था उसको बंद करवा दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट किया, तो ये सब कुछ जो है कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ। अब देखिए इन्फोर्स द पब्लिक सर्विस वाज डन इन, तो टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के समय ही पब्लिक सर्विस हुआ था, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज। टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ पे है, तो ये गाजीपुर में है, गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पे इनका जो है टॉम बना दिया गया है, ठीक है, टॉम बना दिया गया है गाजीपुर में ही। तो इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने इस्तमरारी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लाया था, ये भी याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट किसकी देन है, इसी कॉर्नवालिस की। फिर जुडिशियल कोड इसने लाया, फिर इंडियन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसने ही लाया था। 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है और वहीं पर जो है इनकी समाधि क्या कहेंगे उसको, जो कब्र होगा। बिटवीन हुम वॉज द ट्रिटी ऑफ बसीन साइन, तो बसीन की ट्रिटी किसके बीच में, इंग्लिश और बाजीराव सेकेंड की, बसीन की ट्रिटी इंग्लिश और बाजीराव सेकेंड के बीच में साइन की गई थी। ट्रिटी ऑफ बसीन जो है वो अब की उसको अभी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बसीन को वासी कहते हैं, वो वसीन नाम था, वो दिसंबर 31, 1802 में जो है साइन की गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव के बीच में, और जो मराठा पेशवा पुणे के थे इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, ठीक है।
तो पूना की बैटल के बाद ये ट्रिटी साइन की गई थी। बाजीराव को फिर से पेशवा स्टोर कर दिया था कि मतलब आप फिर से पेशवा बन जाएंगे, लेकिन 60,000 इंग्लिश फोर्सेस को आपको अपने यहाँ रखना पड़ेगा आपके प्रोटेक्शन के लिए, और 26 लाख रुपये आपको पे करने पड़ेंगे कंपनी को। अब देखिए बात क्या होती है, उनको फिर से पेशवा बनने का मौका तो मिल गया, लेकिन 60,000 आर्मी जो है ब्रिटिश की क्या आर्मी थी, वो सारे लोग इंग्लिश मैन ही थे, कुछ लोग जो है ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो है लीडर्स होते थे, कमांडर्स होते थे, तो वो जो है सारे अब इनके खर्चे भी बच जाएंगे उन लोग को पालने पोसने के, अब राजा ही उनका खर्चा भी देगा, और प्रोटेक्शन किस बात का, प्रोटेक्शन तो ब्रिटिशर्स से ही करना था, तो वो और किससे, वो कोई प्रोटेक्शन का नहीं था, तो ये जो है इसी झूठ के नाम पे कि आपको प्रोटेक्शन देंगे, और वो सब जानते थे राजा, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो कर भी क्या सकते थे, अब उनके अंडर है तो वो क्या कर सकते थे, तो वो जो है 60,000 देंगे भी, 60,000 की सेना रखेंगे अपने खर्चे पे, और उसके बाद और क्या करेंगे, और जो है 26 लाख रुपए जो है कंपनी को भी पे करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते थे ये लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, तो पेशवा बाजीराव ने पहले मराठा सरदार थे, आपको याद रखना चाहिए कि होलकर ने कभी जो है ये साइन नहीं किया था, सब्सिडरी अलायंस होलकर ने कभी साइन नहीं किया था। अब देखिए सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है पहली जो है लॉर्ड वेलेसली ने, किसने, सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेसली ने इंट्रोड्यूस किया था। कुछ प्रिंसिपल हैं इसके, पहला क्या है कि जो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करता है उसको अपने टेरिटरी में, अपने एरिया में अपने खर्चे पे ब्रिटिश के सेना को रखना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। दूसरा क्या होता था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ेगा, रेजिडेंट मतलब मान लीजिए आप राजा हैं और ब्रिटिशर्स आपके एरिया को, आप किस उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो अगर आपको सब्सिडरी अलायंस करना पड़े उनके साथ तो आपको सेना एक तो रखनी पड़ेगी, उसके बाद एक ब्रिटिशर्स का एक अंग्रेज आदमी जाएगा, वो आपके दरबार में रहेगा, आप जितनी भी बातें करेंगे, आपकी जितनी नीतियाँ रहेंगी, वो सब कुछ सुनेगा, सब कुछ समझेगा, वो होगा ब्रिटिश का खास आदमी, ठीक है ना, ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते थे उसको। दूसरा है एक इंडियन रूरल हु इंटर, अब जो भी इंटर करता है सब्सिडरी अलायंस जो है ज्वाइन मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो किसी और पावर के साथ अपना कोई जो है अलायंस, कोई सिस्टम नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रिटिश ही ब्रिटिश रहेंगे, ठीक है, कोई भी यूरोपियन पर्सन को अपने जो है दरबार में नहीं ला सकता, कोई डच, कोई फ्रेंच है ना, कोई पोर्चुगीज, किसी को अपने दरबार में नहीं रखेगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है किसी और स्टेट से तो वो जो है वो खुद से सॉल्व नहीं करेगा, ब्रिटिश जो है सरकार बताएगी तुम्हें करना क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरामाउंट पावर एक्सेप्ट करेगी, ब्रिटिशर्स को वो एक्सेप्ट कर लेगी कि इनसे ऊपर और कोई नहीं है इंडिया में, यही सबसे उच्च है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये सब चीज़ें अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम एग्रेशन होता है तो जो है उसके बदले इनको वो उनकी रक्षा करेंगे, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी, राजा स्वतंत्र रहेगा तभी तो लड़ाई करने जाएगा, अब हर चीज़ पे तो मना ही है कि वो जो है लड़ेगा नहीं किसी से, वो किसी से जो है कोई छुट्टी नहीं करेगा, तो कैसी झगड़ा लड़ाई होगी, कुछ होगा ही नहीं, अब ये झूठ का जो है कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ज़बरदस्ती है, ठीक है। तो ये हो गया जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उसने पहले जो है पहला ये जो है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। अवध का जो नवाब था वो जो है नेक्स्ट था जो एक्सेप्ट किया था, फिर मराठा रूलर बाजीराव ने तो किया ही था, आपने जैसे देखा अभी, हैदराबाद ने 1798 में किया था, तंजौर मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, और इंदौर में 1817 में एक्सेप्ट कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड किसके टाइम पे, लॉर्ड वेलेसली के टाइम पे, ठीक है। तो लॉर्ड जो वेलेसली था, वेलेसली के टाइम पे ही सब्सिडरी अलायंस जो है एक्सेप्ट किया गया, स्टार्ट किया गया था, कौन सा सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो कौन ऐसा था जो पहली बार सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, आपका मराठा जो है, आपका हैदराबाद जो था वो उसने एक्सेप्ट किया था। अब नेक्स्ट हमारा है, अब हमें क्रम में लगाना है कि किसने पहले किसने बाद में सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था लॉर्ड वेलेसली का, तो सबसे पहले हैदराबाद किया था, फिर जो है दूसरा मैसूर कर दिया था, फिर तीसरा अवध किया था, फिर चौथा सिंधिया, ठीक है। पहला नवाब कौन सा था जिसने जो है एक्सेप्ट किया था, तो ये जो है हमारा कौन हो गया, ये हैदराबाद जो था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, लेकिन फर्स्ट इंडियन रूलर जो है हमारा सब्सिडरी अलायंस निज़ाम ऑफ हैदराबाद होगा। सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट नहीं किया था, तो होलकर जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, इंपॉर्टेंट है, इंदौर के होलकर्स ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है।
तो सबने एक्सेप्ट किया था, अभी हमने देख लिया तंजौर और ये अवध और ये किसने किसने कब किया था, ठीक है। हैदराबाद ने 1798 में, ठीक है, फिर 80s में, फिर मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने जो है 1799 में, अवध ने जो है आपका 1801 में, पेशवा जो होता है वो आपका दिसंबर 1802 में, भोसले जो है वो, और 1803 में सिंधिया, 1804 में अवध, सिंधिया जयपुर, और आपका जो है बूंदी, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, ये सारे लोग ने एक्सेप्ट कर दिया था, ठीक है। ये सारे लोग ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, और होलकर्स ने नहीं किया था, याद रखिएगा, होलकर्स ने जो है नहीं किया था। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस, जस्ट सेकेंड, हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट। लॉर्ड वेलेसली, हमने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेसली ने स्टार्ट किया था, वो इंडिया का गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक, ठीक है। तो ये जो है था, पहले तो उसने कहा कि हम तो कोई इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, जो ब्रिटिश जो आपका प्रिंसली स्टेट है हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, आप जैसा रह रही है अपने हिसाब से रहिए। लेकिन बाद में वो क्या कर देता है, सब्सिडरी अलायंस जो थोप देता है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होता है वो पहला ऐसा व्यक्ति होता है जो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करता है। अब तक आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, हम बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो मेन एम क्या था कंपनी का, सब्सिडरी अलायंस का क्या एम था, तो ब्रिटिश की सोवरेनिटी, संप्रभुता जो है भारत में इस्टेब्लिश करना एम था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एट द टाइम ऑफ द एम्पायर्स इन व्हेन एट टाइम व्हेन द एम्पायर इन द यूरोप वर ट्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग इन द फ्लाइंग हाई इन द इंडिया। मतलब क्या है कि जब वो समय था कि जब जो ब्रिटिश लोग थे, यानी जो यूरोपियन पावर थी, वो घुटने टेक रही थी नेपोलियन के सामने, इंडिया में कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश फ्लैग को जो है ऊंचा जो है फहरा रहा था, लहरा रहा था, कौन था ऐसा, तो वो वेलेसली था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इंडियंस को पूरा वो कैप्चर कर चुका था, और अब जो है इंडिया का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था उसमें, तो ये जो है लॉर्ड वेलेसली था। कौन था, लॉर्ड वेलेसली था, ठीक है, हाँ लॉर्ड वेलेसली था। नेपोलियन जो है, नेपोलियन जो आक्रमण करके कॉन्कर किए जा रहा था इजिप्ट को, सीरिया को, ठीक है, और इंडिया की तरफ बहुत ही सीरियसली वो सोच रहा था कि इंडिया को कैप्चर करेंगे, और उसी समय जो लॉर्ड वेलेसली सब्सिडरी अलायंस करके जो अपना जो संप्रभुता है इंडिया में बहुत मजबूत बना चुका था, अपनी पकड़ बहुत जो है अच्छी बना रखा था। वेल्लोर का रिवॉर्ड जो है वो कब होता है, किसके समय में होता है, तो वेल्लोर का रिवॉर्ड जो है सर जॉर्ज बैरलो के टाइम पे, सर जॉर्ज बैरलो के टाइम पे रिवोल्ट होता है, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बैरलो 1805 टू 1807 में। वेल्लोर म्यूटिनी अगर हम देखें तो ये 1806 में हुई थी, ठीक है। जो सोल्जर्स थे उनकी जो रिलीजियस और सोशल बिलीव्स थे उनके ऊपर कुठाराघात किए जाने की वजह से ये लोग नाराज थे, और ये जो मैसूर के जो रूलर्स थे उनका फ्लैग उन्होंने लेके आगे जो है बढ़े, वो अनफोल्ड किया फ्लैग, मतलब झंडा लहराया, और क्या किया, ये विरोध किया इनका, ठीक है। आपका नेक्स्ट हमारा है, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, तो एंग्लो नेपाल जो वॉर हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था, 1814 से 16, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था ये एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है। स्ट्रिटी ऑफ सगौली, ठीक है, सुगौली के ट्रिटी, सगौली के सिगौली या सुगौली की ट्रिटी कब हुई थी, तो देखिए जो पहला इंडो नेपाल वॉर ही हुआ था ये जो है कब हुआ था, 1814-15 में हुआ था, और जो ट्रिटी हुई थी सुगौली की वो 1816 में हुई थी, ठीक है। वॉर हुआ था 1814-16 में, ट्रिटी भी 16 में हुई थी, तो ये किसके समय में हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में वॉर जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ठीक है। अब कौन सा सही नहीं है ये हमें बता देना है। देखिए हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ जो पानीपत का हुआ था उसमें कौन था ये बता दीजिएगा, बहुत इजी है, साउथ से नॉर्थ में आए थे लड़ाई करने के लिए वो। लॉर्ड जो हेस्टिंग्स होता है वो एंग्लो नेपाल वॉर, अभी हमने जैसे देखा, लॉर्ड वेलेसली जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेसली जो है वो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर में था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेसली, ठीक है। कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, नहीं ये गलत हो गया हमारा, कॉर्नवालिस तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में नहीं था, ठीक है ना। तो देखिए जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था,
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वो जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ था, ठीक है। फोर्थ एंग्लो जो मैसूर वॉर था, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था वो जो है वेलेस्ली के समय हुआ था, ठीक है। जो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था वो वेलेस्ली के समय हुआ था, और थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था वो वेलेस्ली के समय हुआ था, याद रख लीजिएगा। तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर, देखिए इसमें हिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद करने की भी होती हैं। अब किस समय हुआ था सन और किसने कौन थे प्रेजेंट, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी होंगी। हालांकि सन वगैरह पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी, ठीक है। तो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और जो है आपका चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर था, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर में वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में वेलेस्ली था, ठीक है। अगर हम आंग्लो नेपाल वॉर की बात करें तो उसमें कौन था, हेस्टिंग्स था, कौन था, हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आंग्लो नेपाल वॉर में भी था, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है तीसरे मराठा वॉर में भी था, एंग्लो मराठा वॉर में भी था, चौथे एंग्लो जो है मैसूर वॉर में वेलेस्ली था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो इसमें मुनरो था, कौन था, मुनरो था। थर्ड आंग्ल मराठा वॉर में कौन था, तो वॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड आंग्ल मराठा में कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। मराठा थर्ड आंग्ल मराठा में लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो देखिए तीसरा जो एंग्लो मराठा होता है वो 1817 और 18 में होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होता है, ठीक है ना। इसको कोरेगांव और खिड़की जो है पेशवा बाजीराव जो है वहाँ पे हार जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं 1818 में। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल होता है ये जो है इसी के समय जो है होता है आंग्ल मराठा वॉर। तीसरा थॉमस मुनरो जो होता है वो जो है वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास, थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर होता है, उसका टाइम होता है 1820 से 1827। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 में होता है, वो रैयतवारी सिस्टम का फादर कहता है, उसको कहते हैं फादर ऑफ रैयतवारी सिस्टम, क्या कहते हैं, फादर ऑफ रैयतवारी सिस्टम है ये, ठीक है। कौन, जो आपका थॉमस मुनरो होता है, उसने जो है क्या किया था, वो उसने टैक्सेस को जो है डायरेक्ट कह दिया था कि जो रैयत है, रैयत मतलब होता है कि वो लैंड ओनर जिनके नाम पर ज़मीन है, तो रैयत जो है डायरेक्टली टैक्सेस देंगे। नेक्स्ट हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सिस्टम, तो कौन था, दो लोग थे, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, दोनों ने ही रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। रैयतवारी सिस्टम जो है एक लैंड जो उसमें क्या था कि रजिस्टर्ड जो लैंड होल्डर्स जिसके नाम पे जमीन होता था वो डायरेक्टली जो है आप जाके ब्रिटिशर्स को पेमेंट करेंगे, बीच में बिचौलिया कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहली बार जो ये स्टार्ट हुआ था आपका ये रेवेन्यू सिस्टम वो जो है रैयतवारी सिस्टम 12 महल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था पहली बार, 12 महल डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हुआ था, ठीक है, 1792 में। और कैप्टन जो रीड होते हैं, कैप्टन रीड असिस्टेड थॉमस मुनरो, रीड ने जो है थॉमस मुनरो को सहयोग किया इसमें, और उसमें जो है फिक्स कर दिया कि 50% जो है वो आपको प्रोड्यूस का आपने देना पड़ेगा। थॉमस मुनरो जब गवर्नर बनता है तो रैयतवारी सिस्टम को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है ना, वो 1/3 भाग वो लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और परमानेंट सेटलमेंट जो है था रैयतवारी, मैंने हमने देख लिया कि रीड और मुनरो, ठीक है ना, और परमानेंट जो सेटलमेंट होता है वो कॉर्नवालिस इस्टेब्लिश करता है, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द, देखो माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे जो है, विच गवर्नर जनरल हैज़ टेकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन किसने ले लिया था, तो ये विलियम बेंटिक ने ले लिया था। ऐसे तो विलियम बेंटिक जो है ना वो कभी भी जो है इंटरफेयर नहीं करता, तो उसने सती सिस्टम में, इन्फेंटिसाइड में, ठीक है, कंट्री की जो है इस्टेब्लिश कंट्रीज पीस बाय सोशल लेवल को ख़त्म करके कंट्री में पीस इस्टेब्लिश किया, लेकिन उसने जो है कभी इंटरफेयर वाली पॉलिसी नहीं अपनाई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा क्योस होने की वजह से उसने कैप्चर किया था मैसूर को, एंड हाँ मैसूर को उसने अनेक्स कर लिया था, ठीक है, इंटरफेरेंस की वजह से। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एसोसिएट विद द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर है, मराठा नहीं है, एंग्लो मैसूर वॉर है, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कौन था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1790 और 92 में होता है, ठीक है, इसमें जो है टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो 1792 में होती है उसमें जो है अपना ऑलमोस्ट आधा जो है अपना एम्पायर ब्रिटिश को देना पड़ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ थग्स? तो कैप्टन स्लीमैन, ठीक है, कैप्टन स्लीमैन जो है एसोसिएटेड है जो ठग्स हुआ करते थे उनको जो है सप्रेस करने के लिए। तो देखिए ठग जो होते थे वो काली दुर्गा भवानी जो है इनकी वर्शिप करते थे, वो अपने जो है सरों को काट के उनके जो है उनको चढ़ाते थे देवी को, ठीक है, उनके फीट पे। तो जो ये क्या करते थे, स्लीमैन जो था उसको अपॉइंट किया गया था, किसने, विलियम, लॉर्ड विलियम अपॉइंटेड, विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था कैप्टन स्लीमैन को कि ठग्स को जो है हैंडल करें, उनको ख़त्म करें। तो 1500 ठग्स को जो है स्लीमैन ने अरेस्ट किया था और जो है उनको हैंग कर दिया, उनको फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। तो 1837 के बाद जो ठगी सिस्टम था वो बिल्कुल बंद हो गया। अब देखिए सती सिस्टम को एबॉलिश किसने किया था, विलियम बेंटिक ने, ठीक है, विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था, ठीक है। सती मीन्स होता है होली और वर्चुअस वीमेन, ऐसी वीमेन जो बहुत पवित्र हैं, अपने हस्बैंड जब मरते हैं तो उनके साथ उनकी चिता पे वो भी मर जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसा अगर जो करती है तो जो हस्बैंड होता है उसकी सातों पुश्त सातों जनरेशन जो है स्वर्ग चली जाती हैं। तो जो घर वाले खुद ही सपोर्ट करेंगे कि ठीक है जल जाओ, स्वर्ग जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। और अकबर ने जो है, अकबर जो था उन्होंने भी सती सिस्टम एबॉलिश करने की बात की थी। मराठास ने अपने एरियाज में सती सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, फ्रेंच और पोर्चुगीज ने भी किया था, राम मोहन राय ने भी कैंपेन चलाया था सती सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए। फाइनली बंगाल में सती रेगुलेशन और रेगुलेशन 17 है ना, अंडर जो है ये जो 1829 में जो है बंगाल कोड बना था, और एक्ट जो है क्या किया था कि सती सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। इन विच ईयर सती सिस्टम वॉज अबॉलिश बाई विलियम बेंटिक, कौन से ईयर में जो है अबॉलिश किया गया था? तो ये आपका पीरियड था 1829 में, 1829 में। हिल असेंबली प्लान वॉज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई हिल असेंबली क्लीवलैंड ने, हिल असेंबली प्लान था वो आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए क्लीवलैंड ने स्टार्ट किया था। देखिए जो हिल असेंबली प्लान था वो स्टार्ट किया था क्लीवलैंड के द्वारा। इसमें क्या था कि जो हिल में रहने वाले पहाड़ी लोग थे, ठीक है, पहाड़ी थे, अंडर एन यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल असेंबली अंडर द हेरिडिटी हिल चीफ्स कॉल्ड सरदार, तो जो सरदार लोग रहा करते थे जिसकी जो है उत्तराधिकार सरदार के मर जाने के बाद उसके बेटे के पास आ जाता था, ऐसे लोग थे उसमें। द असेंबली मेट ट्वाइस अ ईयर एंड हैड अ वाइड पावर इंक्लूडिंग द इन्फ्लिक्टिंग और आपका कैपिटल पनिशमेंट, मतलब फांसी की सजा या इस तरीके की कोई सजा वो सुना सकते थे जो आपकी जो कमेटी होती, ठीक है ना। सरदार्स वर इन अच्छा इंट्रस्ट टू ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑल द क्राइम्स एंड लॉज एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द विलेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इसके लिए जो उन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैन इन विच ईयर, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1789 में, ठीक है, 1789 में बैन हो गया था कि स्लेव्स को जो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव जो है बैन हो गया था, स्लेवरी को बैन कर दिया था, किसके लिए, अंडर इंडियन पीनल कोड ऑफ स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम इन 1960s। अवध वॉज अनेक्स्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर बाई किस, कौन, बाई डिक्लेयरिंग द स्टेट एज क्या है आपका, माल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो है बैन कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी इफेक्टिवली मेड द प्लान फॉर द अक्यूज नवाब वाजिद अली शाह को जो है अक्यूज़ करने के लिए उन्होंने माल एडमिन कुप्रशासन का जो है बहाना बनाया, और 13 फरवरी 1856 को जो है अवध को जो है हड़प लिया, एनेक्स कर लिया, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। तो डलहौजी जो है उसका टाइम था 1848 to 58, उसने जो सतारा को 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, और भगत को जो है 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, करौली को जो है 1855 में, और नागपुर को 1854 में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो है क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। फिर हमारा जेम्स एंड्रू रैमसे, द रियल नेम ऑफ विच गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी का जो सही नाम था, वो था सर जेम्स एंड्रू रैमसे, तो ये जो है सही नाम था। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड डलहौजी, वो गवर्नर जनरल था ऑफ इंडिया 1848 to 1856, और द अर्ल ऑफ द डलहौजी, हिज रियल नेम ऑफ द जेम्स एंड्रू रैमसे,
अब नेक्स्ट हमारा है अवध वॉज एलग हाँ एमलगेटेड एमलगमेटेड इन टू द ब्रिटिश डोमिनियन. ठीक है, एमलगमेट कर लिया गया था ब्रिटिश डोमिनियन में 1856 में, 1856 में जो है मिला लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में. कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है हमें. तो देखिए 1856 में जो है मर्जर ऑफ अवध, ये सही है. अभी हमने जस्ट देखा इसको. हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो डलहौजी ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट किया था. द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रिमूव फ्रॉम पावर बाई द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस. तो अवध को जो है मिस गवर्नेंस के नाम पर जो है हड़प लिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, झांसी, संबलपुर और सतारा. तो ये क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है. तो पहले सतारा को कैप्चर किया, फिर जो है संबलपुर को, फिर झांसी को. तो ये हमारा हो गया जो है डलहौजी ने कब किया, 1884 में सतारा को, 1884 में सतारा को एनेक्स कर लिया 1884 में. संबलपुर जो उड़ीसा में है उसको 1849 में, और आपका जो है झांसी को 1853 में नेक्स्ट किया. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत. नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो सतारा जो है विक्टिम थी, सतारा विक्टिम थी लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी की. ठीक है, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट है द रिक्वेस्ट ऑफ सिंध. ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाई द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड. कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध किसने किया था, सिंध को जो है कैप्चर किसने किया था, एलनबरो ने, लॉर्ड एलनबरो ने किया था सिंध का कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, लॉर्ड एलनबरो का टाइम था 1842 to 1844, और ये जो है सिंध को कैप्चर कर लिया था लॉर्ड एलनबरो ने. ठीक है, तो ये क्या हुआ था, जो रीज़न था वो क्या था, वो था फर्स्ट एंग्लो जो है अफगान वॉर. ये जो है रीज़न था, यही रीज़न दे के जो है उसी में एनेक्स कर लिया गया था. ठीक है, सिंध वॉज एनेक्स्ड इन 1843, कब, 1843 में. द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वॉज एनेक्स्ड, भगत जो है 1850 में एनेक्स किया गया था. तो ये जो भगत था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी की डॉक्ट्राइन थी. सतारा को 1848 में, जयपुर को और संबल को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में एनेक्स कर लिया गया था. नेक्स्ट हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेजिडेंट इन अवध एट द टाइम ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ. कौन ब्रिटिश रेजिडेंट था अवध में, तो मैंने बताया था एक रेजिडेंट रख देते थे. तो जेम्स आउट्रम जो था वो ब्रिटिश रेजिडेंट था अवध में. ठीक है, तो जेम्स आउट्रम था, है ना, ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ अवध इन द प्लेस ऑफ स्लीमैन. स्लीमैन की जगह ब्रिटिश जो जेम्स आउट्रम था. ठीक है, और जो हेनरी लॉरेंस था वॉज द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ लखनऊ. तो हेनरी लॉरेंस जो था वो लखनऊ का ब्रिटिश रेजिडेंट था 1857 के विद्रोह के समय में. हाँ, वो उसको रिवोल्यूशनरी जो लोग थे उसको मार दिए थे. द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द विच ऑफ द, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली रेलवे जो इंडिया में बनी थी. ठीक है, हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज एन इफेक्टिव डिसीजन मेड बाय द गवर्नर जनरल डलहौजी. रेलवे लाइन जो है डलहौजी का देन था इंडिया में. द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड डाउन मुंबई टू ठाणे 1853 में. मुंबई टू से ठाणे के लिए पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था डलहौजी के समय में. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था रेलवे के डेवलपमेंट का, कि रॉ मटेरियल को कैरी कर लेंगे एक जगह से दूसरे जगह. ठीक है, इजीली, और जो रिवोल्ट्स अगर होते हैं इंडिया में तो उसको हम आसानी से जो है कुचल पाएंगे, दबा पाएंगे. तो ये मेन जो है मोटिव था. तो फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन, तो ये बॉम्बे से ठाणे जो है पहली इंडियन रेलवे लाइन थी, बॉम्बे से ठाणे. ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन इंडिया 1853 में, 1853 में हमने देखा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे. तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, याद रखिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ये पहली कंट्री थी जो रेलवे सर्विस इंडिया में देती थी. ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेलवे वॉज स्टार्टेड बाय द ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला रेलवे. कौन सा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853 फ्रॉम द बोरी बंदर टू ठाणे मुंबई. तो ये हमारा था. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में, इसमें दो पार्ट में हुआ, ये जो है लेंथी है. ठीक है ना, गवर्नर जनरल वासराय, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.